वेलकम टू राजेश किचन। आज हम आपको मूंग की दाल का काजी वड़ा, जो जिसमें दही वड़ा तो आपने बहुत खाया होगा मूंग की दाल का, उड़द की दाल का, लेकिन ये काजी वड़ा बना के आप खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें दही वगैरह नहीं चाहिए, इसमें पानी बनाया जाता है, हम उसको भी आपको बताते हैं। काजी वड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले पानी बना लेते हैं उसका, जिसमें वड़ा को भिगोना है। ये हमने 2 गिलास पानी ले लिया है, इस पानी को इस बर्तन में हम डाल देते हैं। ये 2 गिलास पानी है। अब इसमें करीब हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, और ये राई है पिसा हुआ, इसको हम लगभग 2 चम्मच, ये राई डाल देते हैं 2 चम्मच, और 1 चम्मच कूटा हुआ मिर्च। अब इन सबको हम मिला के रात भर के लिए भिगो के रख देंगे, जिससे कि राई की वजह से ये पानी हमारा खट्टा हो जाएगा और हम अगले दिन इसको छान लेंगे, जिससे हमारा जो भी मोटा हो वो सब निकल जाए, फ्रेश पानी हमारा बच जाए। इसको हम अच्छे से मिला के कम 24 घंटे पहले आप बनाइएगा, तो इसमें खट्टापन राई की वजह से आ जाएगा। ये 24 घंटे से हमने पानी भिगो के रखा था, अब एक बर्तन में इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए मोटा वाला हिस्सा सब निकल जाएगा। अब ये फ्रेश पानी हमारा बड़ा भिगोने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हमने 200 ग्राम मूंग की दाल ले लिया है, इसको 5-6 घंटे हमने भिगो के ले लिया है। इसको बढ़िया से ग्राइंडर में पीस के उसमें ये थोड़े से मसाले जाएंगे। ये हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया, इसको एकदम बारीक बारीक से काट लिया है। 4-5 हरी मिर्च है, उसको भी हमने बारीक काट लिया है। 1/2 चम्मच जीरा है, 1/2 चम्मच धनिया है, खड़ा धनिया, ये उसमें पेस्ट में मिलाया जाएगा। नमक है, और अगर पेस्ट फेटने में हमारा नहीं उठता है तो हमको थोड़ा सा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा डालना है उसमें, ये ऑप्शनल है। पहले हम इसमें अपना ये दाल डाल के बगैर पानी का इसको पीसेंगे हम। इसमें पानी नहीं डालना है, बिल्कुल सूखा ही आपको पीसना है। ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल पीस गया है, इसमें हमने पानी जरा सा भी नहीं ऐड किया है। अब देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है। अब हम इसको किसी बर्तन में पहले निकाल के इसको फेटेंगे, ये सब सामान मिला के अपना जो हमने काट के रखा है। अब इसको आप हाथ से इस तरीके से फेटिए बढ़िया। अभी आपको इसको पहले फेटना है और फिर बाद में फिर ये सब सामान ऐड करना है इसमें। इसको जितना अच्छा आप फेटेंगे उतना ही सॉफ्ट आपका बड़ा बनेगा। और आप चेक कर लीजिए, इसमें एक कटोरी में पानी ले लीजिए और इसमें हल्का सा इसको डालिए, अगर ये ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए। ये देखिए एकदम ऊपर आ गया ना, इसका मतलब ये हमारा अच्छे से फिट गया है। अब हमको कुछ सोडा इसमें नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमारा ये अपने आप ही फ्लफी हो गया है और अच्छे से फिट गया है। अब सोडा हम इसमें नहीं डालेंगे। अब हम अपना ये सब सामान डाल देते हैं इसमें, और थोड़ा सा 1/2 चम्मच के लगभग इसमें ऑयल डाल देते हैं, और नमक, नमक आपको स्वादानुसार थोड़ा हल्का ही डालिए, क्योंकि आपके पानी में भी नमक है, और जिस पानी में आप इसको सादे पानी में भिगोएंगे उसमें भी नमक डाला जाता है, तो नमक इसमें आप हल्का ही रखिए। अब इन सब चीज़ों को मिला लीजिए बढ़िया से। ये देखिए अब हमारा ये बैटर एकदम तैयार हो गया है। अब हम आपको इसको फ्राई करके दिखाते हैं। अब आपको बनाना कैसे है, आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए इस तरीके से, और इस पर थोड़ा सा बैटर उठाइए
और इस पर रखिए। अब थोड़ा सा इसको हल्का सेक दीजिए और फिर पानी हाथ में लगा के आप इसको आराम से इस पर उठा लीजिए और धीरे से तेल में ऐड कर दीजिए। तेल आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ये कम और आपको बना के दिखा रहे हैं। पानी से गीला कीजिए, थोड़ा सा बेटर इस पर लीजिए, हल्का सा इसको ऐसे रोकीजिए और फिर आराम से इस पर उठाइए और तेल में ऐड करिए। आप देखिए कितना अच्छा ये बड़ा हमारा फूल है। आप देखिए ये देख रहे हैं एकदम कचौड़ी की तरह फूल है। ये देखिए थोड़ा सा पानी ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसको मिलाने के बाद बढ़िया से ये डायरेक्टली बड़ा इसमें निकाल के हम इसमें भिगो देंगे। पूरा जब तक हमारा बड़ा बन जाएगा इसमें हम भिगा रहने देंगे और उसके बाद निकाल के हम अपना ये जो पानी हमने बना के रखा है हम राई वाले पानी में इस सादे पानी से निकाल के इसमें ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारा बड़ा। अब हमको इसको निकाल लेना है। और निकाल के हमको डायरेक्टली इसको पानी में ऐड करना है। ये इसी तरीके से पूरा पूरा बड़ा निकाल के डायरेक्ट पानी में ऐड कर देंगे। तो बढ़िया से पानी में डुबो दीजिए, ये भी पानी सोख लेगा पूरा। आपको इस पानी में से बड़ा तभी निकालना है जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। और ठंडा जब हो जाए, अब ये ठंडा हो चुका है, अब आप इसको पूरा पानी इसमें आप देख रहे हैं पूरा पानी इसमें से निकाल के एक एक बार आप इसमें ऐड करते जाइए। ये देखिए इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे पानी पूरा इसमें से निकाल दीजिए और इसको इस पानी में ऐड कर दीजिए। बिल्कुल देखिए कितना सॉफ्ट बना है बड़ा। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए हमने सारे अपने बड़े पानी में भिगो दिए हैं। अब इसको आप ढक के करीब एक घंटा इसी पानी में भीगा रहने दीजिए और उसके बाद आप एक घंटे बाद आप सर्व कीजिए। हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसको ढक के रख दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन हमारा काजी बड़ा बन के बिल्कुल तैयार है। आप दही बड़ा भूल जाने के लिए, इतना ये टेस्टी होता है और बहुत ही बेहतरीन होता है। आप काजी बड़ा का एंजॉय कीजिए और यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।